हेलो फ्रेंड, एसपीएच मुसाफिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, सबसे वीडियो पहले पाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सभी को मेरा सलाम, भाइयों का राम राम और सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई बात ऐसी है, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से अगर आपके पास मारुति स्विफ्ट है और स्विफ्ट डिजायर है या ब्लेनो है जो बेस मॉडल है, अगर उनके अंदर अगर उस गाड़ी का अगर टाइम आउट हो जाए और किसी कारण से टाइम सही नहीं दिखा रहा, तो आप कैसे उस टाइम को खुद से सेट कर सकते हैं बिना मैकेनिक के पास, बिना सर्विस सेंटर जाए। तो चलो फटाफट हम शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम टाइम को सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे कि आपको लोग डिस्प्ले पे आप लोग देख रहे हो, पहले हम अपने कैमरे को शट कर लेते हैं पर्टिकुलर एंगल पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सेट करना यहाँ पे जो ठीक है जी। तो ये रही चाबी, हम लगाते हैं चाबी को, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस तरीके से फैन को हम कर देते हैं बंद। तो जैसे कि आप लोगों के सामने इस तरीके से डिस्प्ले शो करेगा, इग्निशन जो है कि सब आपके मीटर पे आ जाएंगे। और क्या करना है आपको, जो आप ये दो बटन देख रहे हो, एक ये राइट में और एक ये लेफ्ट में, इन दोनों बटनों को एक साथ पुश करना है हमें। देखो जैसे हमने पुश किया, पुश करते देख रहे हो आप इस तरीके से, देखो पांच वाला नंबर है वो बिलिंग करने लग गया। ये जो टाइम शो कर रहा है अभी बज रहे हैं 5:52, लेकिन रियल में अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 10:13। तो फिलहाल जो है कि हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से आप देखो राइट साइड में जो ये वाला बटन है, इस वाले को देखो लेफ्ट की तरफ करेंगे 4 नंबर हो जाएगा, और राइट की तरफ करेंगे तो 5 नंबर, फिर 6 नंबर 7 नंबर, इसी से लेफ्ट राइट करके आप आगे पीछे कर सकते हो। तो हमें बजाने हैं 10, तो ये बज गए जी 10। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये टाइम सेट हो जाए तो फिर दोबारा से इस बटन को पुश करना है मिनट के लिए। मिनट पे तभी जाएगा जब इस बटन को हम पुश करेंगे। ये हमने पुश कर दिया, पुश करते ही जो है अब दिखा रहा है यहाँ पे 52, लेकिन हमारे को हो करना है यहाँ पे 13 मिनट। तो 13 मिनट करने के लिए हमें पीछे करना पड़ेगा, पीछे पीछे। वैसे तो उसको पुश भी करके रखेंगे तब भी चलता रहेगा, देखो पुश करके रखेंगे तब भी नंबर फास्ट फास्ट भागेगा, पर उससे थोड़ा सा जो है कि आपको मतलब बटन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए 1-2-1-2 करते रहो। और हम 13 पे आ जाते हैं, 13 क्या, हम इसको अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट हम ऊपर नीचे रख सकते हैं, तो हम इसे 15 पे कर लेते हैं। और जब इस तरीके से सेट हो जाए, 15 पे आ जाए, दोबारा से पुश कर दो, और ये सक्सेसफुली आपका टाइम सेट हो गया। एक बार चाबी को हम बंद करते हैं, गाड़ी को हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो है कि दोबारा से एक बार ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद जो है कि फिर दोबारा से इग्निशन सब शो कर रहा है और टाइम हमारा फाइनली सेट हो गया। तो भाई फिलहाल भाई टाइम हमने सेट कर लिया अपनी गाड़ी का। अगर आप लोग कुछ कमेंट में पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो किसी भी गाड़ी के बारे में, जहां तक हो सकेगा मैं आप लोग की हेल्प करूंगा, पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो फिलहाल भाई, तो भाई यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली और आप लोगों को वीडियो आपके यूज में आ गई है, तो भाई फटाफट जो है कि वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।